मेरे पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है यही है दशरथ द्वार और इसके आगे गहलोर घाटी जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो हमारे पर्वत पुरुष से अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता, तो उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि परेशान हूँ अभी मैं मरा नहीं, कि परेशान हूँ अभी मैं मरा नहीं, वक्त थोड़े बुरे हैं लेकिन कभी मैं डरा नहीं, और तुम लगा लो जोर जितना तुम में बाकी है, शायद तुमने बिहार वालों का इतिहास कभी पढ़ा नहीं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो अब हम पहुंच गए हैं दशरथ बाबा के स्मृति भवन में। पहले यहाँ पर छेनी और हथौड़ी रखा जाता था लेकिन उसको अब आगे कर दिया गया है, और उसके बाद उनके जीवन काल में जो वो यूज किए थे कुछ सामान्य चीज़ें अवशेष के रूप में रखा गया है उनका, ये झोला और जो सर पर टोपी लगाते थे और ये स्वेटर है, और आगे भी एक और टोपी है जिससे वो जहाँ जाते थे अपने काम को दिखाने के लिए वो सर पर टोपी लगा के जाते थे कि उन्होंने क्या काम किया है। पैसे के अभाव में इस बोरी को कपड़ा बनाकर उन्होंने यूज किया था, और पहाड़ काटते समय इसी को पहनकर पूरा पहाड़ काटे थे, जैसा कि मांझी द माउंटेन मैन में आपको दिखाया गया है वह सच्ची कहानी है। और जो आप आगे देख रहे हैं ये कुछ मेडल और शील्ड है जो बाबा को मरणोपरांत मिला है, और आपको दिखा रहे हैं इसी के जस्ट नीचे है वो छेनी हथौड़ी जिससे हमारे दशरथ बाबा ने पूरी पहाड़ को काट दिया और उसका सीना चीर कर बीच से रास्ता निकाला। महान है वो बाबा जो अपने गांव वाले के लिए ऐसा सोच रखे थे, और वो बोलते थे कि मेहनत तो एक का लगेगा लेकिन फ़ायदा सबको होगा। और ये जो सामने इंसान दिखाई दे रहे हैं उन्हीं महान आत्मा के पुत्र हैं, और उनकी एक पुत्री भी थी। तो जब वो पहाड़ तोड़ते होंगे तो ये लोग भी उनकी मदद करते होंगे क्योंकि वो ये लोग भी उनके साथ ही रहते थे। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है मांझी द माउंटेन मैन, उसमें दिखाया गया है कि कैसे उनके पुत्र और पुत्री जो थी वो उनकी मदद करती थी, और बिना मदद के ये काम कठिन है, क्यों ना वो खाना ही बना के देते होंगे, ये थोड़ा बहुत मदद करते होंगे। और ये दशरथ बाबा के लाडले थे और बेटी भी लाडली थी, बहुत प्यार करते थे दोनों को। तो यही हैं दशरथ बाबा के बेटे। और बाबा ये खेती करते हैं आप? कमाना खाना तो है ये भैया, नहीं नौकरी में चक्री है कुछ नहीं। तो रहते कहाँ हैं बाबा जी आप? यही रहते हैं ये इस स्मृति भवन में। यही रहते हैं बाल बच्चे से। कितना बाल बच्चे हैं आपके? 15 बाल बच्चा, 6 गो। 6 गो? एगो नाती है। दशरथ बाबा के आप ही न केवल एगो हैं? एगो आपकी बहन नतनी सब रहते हैं जी? सब यहीं रहते हैं। हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री द्वारा गेट पे इनका नाम शोभित किया गया है, और उसके जस्ट बगल में उनका समाधि और स्टैचू बनाया गया है जहाँ पर पर्यटन के लोग आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करते हैं और इसे देखकर मोटिवेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनकी प्रतिमा बनाई गई है, और गेट के दोनों साइड इनके नाम से इस गेट का नाम दिया गया है
दशरथ मांझी द्वार गहलोर घाटी, जो ये घाटी था ये गहलोर के नाम से जाना जाता था, इसीलिए दशरथ मांझी द्वार गहलोर इसका नाम पड़ा है। बाबा की मेहनत और पहाड़ को काटने से यहाँ चार जगह जाने की रास्ता बहुत छोटी हो गई है। 55 किलोमीटर का रास्ता मात्र 15 किलोमीटर का हो गया है और 30 किलोमीटर का रास्ता लगभग 7 किलोमीटर में रहकर सिमट गया है। तो यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं और सब लोग यहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस के नाम पे मतलब विख्यात हो गया है। और ये है वो कुआँ, जब बाबा को प्यास लगी थी एक बार और यहाँ पे अकाल आया था तो बाबा ने यहाँ पर खुद अपने हाथों से एक कुएं का निर्माण किया था और उसी से वो पानी का गुजारा करते थे अपना। तो आप देख सकते हैं इसकी देखरेख होनी चाहिए थी। और यहीं से थोड़ी दूर पे बाबा अपने लिए कुटिया लगाए थे जो आपको दिखाई दे रहा है, और वहाँ से पानी पीते थे और वहाँ कुटिया में रहते थे। और ये जो सामने गेट दिखाई दे रहा है यह वही गेट है जहाँ पे पहाड़ काटने का काम लास्ट हुआ था। और बाबा का यहाँ पर थोड़ा सा खेत था जहाँ बाबा खेती किया करते थे अपने लिए। अभी यहाँ बच्चे रनिंग करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं गेट के पास। हमारे देश में प्यार की एक और धरोहर है जिसे हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, और एक दूसरा यह है जिसे हम लोग दशरथ मांझी द्वार के नाम से जानते हैं। ताजमहल को शाहजहां ने 20,000 सैनिकों से बनवाया था, खुद उसमें काम नहीं करता था। लेकिन इस महान इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे, इन्होंने अपने प्यार के लिए और अपने ग्रामवासियों के लिए 22 साल तक एक पहाड़ को तोड़ने का काम किया। इसके आगे जो आप इमली का पेड़ देख पा रहे हैं वही दशरथ बाबा जब थक जाते थे तो वहाँ आराम करते थे। तो यही वो पेड़ है जहाँ दोपहर में आराम करते थे और फिर पहाड़ काटते थे। पहाड़ के बिल्कुल पास में ही है और आप देख सकते हैं कितनी ऊंची पहाड़ को उन्होंने बस छेनी हथौड़ी से काट दिया। यहाँ देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और जो ये सामने देख रहे हैं ये छोटू है, जिसको मेरे से ज़्यादा दशरथ बाबा के बारे में पता है क्योंकि इन्हीं के गांव के थे दशरथ बाबा। और देख सकते हैं यहाँ से कितनी रास्ताएं गई हैं। इसके आगे वह जो चट्टान दिखाई दे रहा है वह वही चट्टान है जो रास्ते के बीचों बीच बाधा बनकर खड़ा था, जिसे सभी ग्रामीणों ने मिलकर हटाया तब जाके रास्ता चालू हुआ।
अब देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर बीच में रोड आया था, और इसके आगे एक पेड़ की विशेषता हम लोग बताएंगे। एक पेड़ है जिसे दशरथ बाबा ने अपने बचपन काल में लगाया था, उन्हें क्या पता था कि वो पेड़ उनको इतना काम आएगा। जब वहाँ से पहाड़ काटना चालू किए तब यहीं छाया में बैठते थे और बच्चों को यहाँ पे पानी और टॉफियाँ दिया करते थे ताकि उनकी मदद कर सके। तो यह पेड़ भी बाबा को बहुत मदद किया है। इसके बाद मैं उस विधायक का घर दिखाने वाला हूँ जिसे मांझी द माउंटेन मैन में दिखाया गया है, जो दबंगई करता था और जनजाति के लोगों पर अपना हुक्म चलाता था। आप देख सकते हैं वही घर है यह।